रुचिन सिंह रावत और प्रमोद नेगी दो शहीदों के पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और सर्वोत्तम जो बलिदान होता है उसको किया है। कहीं न कहीं हम सब के लिए गौरव की बात भी है, वहीं दुखदायी क्षण भी हैं उनके पारिवारिक जनों के लिए, उनके सभी मित्रों के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके परिवार के लोगों को इस असमय आए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हम लोग का कल सुबह मिला था, मतलब वहाँ से सुबह करीबन 8-9 बजे के आसपास में बहुत फ़ोन आने लगा है रजौरी से। फिर उतना हम लोग का कंफर्मेशन नहीं दिया, फिर फोन आते रहे। फिर बाद में वहाँ से एक यूनिट से फ़ोन आया, ऐसा सीधन छेत्री का कौन है, आप कौन बोल रहे, ऐसे बोल के आया। फिर बाद में वो लोग ने मिनिमम 10-11 बजे के बीच में कन्फर्मेशन दिया। तो क्या कहेंगे दीदी, जिस तरह से शहीद हुआ है देश का एक लड़का दार्जिलिंग का, क्या कहेंगे दीदी? अब क्या बोलेंगे ना, मेरा भाई तो अगले महीने गया था, परसों एक महीना होगा, शादी करके गया था। अब ऐसा होगा, हम लोग कभी कुछ भी हम लोग सोच नहीं सकते ऐसा हुआ, देश के लिए शहीद हुआ, क्या करेंगे। लास्ट बिफोर 5 डेज पहले, जब ऑपरेशन में जाने से पहले 5 दिन पहले फ़ोन किया था इसने, शायद मैं आके फ़ोन करूंगी दीदी, सैटरडे के नीचे उतर के मैं फ़ोन करूंगी बोल रहा था। दीदी, टेररिस्ट के साथ लड़के अपना जान देश के लिए निछावर किया, तो क्या कहना चाहेंगे? अब टेररिस्ट के वो तो ये स्पेशल कमांडो में था, प्यारा कमांडो में था, 9 प्यारा में था। उसका पहला भी इसने ऑपरेशन कर चुके थे, इसलिए उसका मतलब पलटन में अच्छा उसका रैंक था, उसका अच्छा पोजीशन मिला था।